देखें कितनी खूबसूरत जगह है। अल्लाह के फजल का मशहूर किसान में आज का व्लॉग शुरू करता हूँ। आज हम किला रोहतास आए हुए हैं और यहाँ पे एक जगह है उसका विजिट कर रहे हैं। तो ये जगह को टोटल कोई 92 कनाल बनती है, तो उस जगह की हदबंदी करवा रहे हैं हम। किला रोहतास के ये बिल्कुल सराउंडिंग में है। आते भाई जगह का मजा भी तो लेना ना आपने। देखें जी कितनी खूबसूरत जगह है। इस जगह पे 3 डेरे बने हुए हैं और कुछ खास के लिए जगह है। बाकी सारा तो पहाड़ी इलाका है। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि जगह कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ तक है। और यहाँ तो अभी तक जो पता चला है वो यही पता चला कि यहाँ पे ना जंगली जानवर का बसेरा बहुत ज़्यादा है। वो सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है वो वाली, वो रिजॉर्ट्स हैं, पार्क बना हुआ है, वो काफ़ी अच्छा है, अच्छी जगह है वो वाली। और उस पहाड़ी के पीछे एफिल टावर। इन जंगली जानवरों को देख के आपको ये ना ख्याल कीजिए ये कोई शेर चीता है, ये जस्ट गायें बकरियाँ आगे घास वगैरह खाती हैं। ये टोटल जो जगह ना 92 कनाल है ये ठेके पे ले रहे हैं, तो हदबंदी ज़रूरी है, फार्म हाउस के तौर पे इस्तेमाल करनी है ये जगह। लोगों के चेहरे आप देख सकते हैं कितने थके थके हैं, बहुत आज हाइकिंग की आज। और उस तरह सामने किला रोहतास, वो सामने किला रोहतास आपको नजर आ रहा होगा, सामने वो किला रोहतास। बहुत अच्छा व्यू है। ये जगह ठेके पे ली गई है। तो यहाँ से किला रोहतास 2 मिनट की सफर है वॉकिंग डिस्टेंस पे। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, वो सामने जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है वो जिप लाइन है, 2 किलोमीटर लॉन्ग जिप लाइन। तो 2 किलोमीटर तक आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो सामने जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये जो जगह है सामने ये सारी ठेके पे ली गई है, 92 कनाल जगह है, जस्ट फॉर लाइक फार्म हाउस के तौर पे। बहुत बड़ा रकबा ये पठार का इलाका है, ये बहुत खूबसूरत है। वो सामने रोहतास जिप लाइन और इस तरफ रोहतास रिजॉर्ट्स एंड रिक्रिएशन। ये सामने रोहतास की तरफ रोड जाती है और ये रोड जो रोहतास रिजॉर्ट्स हैं उस तरफ। उस
सामने एक बावली बनी हुई है, वो मंदिर टाइप में कोई, मुझे नाम नहीं उनका पता, किसी दिन मैं आऊँगा तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये दरवाज़ा है, और मतलब दरवाज़ा उस डेरे का, उस जगह का। देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये।